नमस्कार आप सभी को, मैं गुमसोंग लगंग आप सभी को अरुणाचल प्रदेश में स्वागत करता हूं। और हम आप अभी खड़े हैं जो कि पीएम श्री स्कूल जवाहरलाल नवोदया विद्यालय गोजू चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के आगे हम खड़े हैं। और हम दर्शकों को ये बता देना चाहेंगे कि कल यहां पे बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ जो कि जवाहरलाल नवोदया विद्यालय में। और यहाँ ये सूत्रों के मुताबिक हमें ये मालूम चला कि ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो कि क्लास 11 में पढ़ते हैं, वे क्लास 8 के बच्चों को रैगिंग का मामला को लेते हुए, रैगिंग का मामला यहाँ पे आया बहुत गंभीरता से, बहुत ख़राब से यहाँ पे पीटा गया उन लोगों को। बहुत ह्यूमन असल हुआ, मैन हैंडल हुआ। क्लास 11 के छात्रों ने क्लास 8 के छात्रों को बुरी तरह से मारा। विजिल हम आपको दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। जो ऑडिटोरियम बोले तो आपका डॉर्मेट्री में, जो कि हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत तहकीकात करने आए हैं, पुख्ता रिपोर्ट लेने आए हैं। तो हम आज यहाँ से पुख्ता रिपोर्ट लेके ही जाएंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था, माजरा क्या था, क्या ये सिर्फ क्लास 11 और क्लास 8 के ही छात्रों में सीमित है या इनको छोड़ के क्लास अन्य क्लास का भी इसमें इन्वॉल्व है, या ये क्या एक ही बार हुआ या बार बार हो रहा है, इसको हम जरूर जानेंगे। आप लोग देखते रहे हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हम एक स्टूडेंट से हम जानने के लिए प्रयास करेंगे कि कल का इंसिडेंट क्या हुआ था। एक्चुअली ये कह रहे थे, वे खुद भी नहीं है, लेकिन भी जहाँ तक सुना, अब जो सुना है उस चीज़ को थोड़ा बता दीजिए कि कल का इंसिडेंट क्या से, क्या का कारण से हुआ था खास कर। सर बताएं कि मतलब क्लास 8 का स्टूडेंट लोग खराब चीज़ खाने पीने में फंसा था, तो वो लोग मतलब हम लोग को पता चले, हम लोग मतलब 11 का सब पता चले, तो लोग पता चले, वो लोग मतलब पहले भी समझा चुका था वो लोग को एक क्लास को, तो वही सुन के मतलब वो लोग वहाँ गए जूनियर हाउस में क्या हुआ वो जानने के लिए। फिर हमें एक वो है मारपीट, मतलब जूनियर हॉस्टल में मारपीट हुआ था। ओह सॉरी, जूनियर हॉस्टल नहीं भाई, वो लोग को यहाँ बुलाए। ओके, वो लोग को यहाँ बुलाए, फिर पूछा पूछी किए। अच्छा, तो ये क्या सिर्फ क्लास 8 का बच्चा ही मतलब धूम्रपान का सेवन करते हैं, या अन्य बच्चे जो कि क्लास 9, 10, 12, 11 ये लोग नहीं करते हैं क्या? लोग भी करते हैं ऐसे। और ये कहाँ से मिलते हैं आप लोग को, मतलब स्कूल से प्रोवाइड किया जाता है या आप लोग खुद ला कहीं से मैनेज करते हैं? स्कूल से तो प्रोवाइड नहीं करते, लोग मैनेज करते हैं। मैनेज करते हैं ना, तो मतलब यहाँ आप लोग का जो वार्डन होता है, मतलब हाउस मास्टर जो कहा जाता है आप लोग का खास करके, तो वो कहाँ रहता है, मतलब आप लोग का सर ने सोते हैं या उनका कहाँ में रहने का निवास कहाँ करते हैं? सर लोग का क्वार्टर है अपना, फैमिली भी है, निगरानी किस प्रकार से होता है आप लोग का ऊपर, मतलब लाइक आप लोग को यहाँ आके समझाते हैं या आप लोग को मतलब बिना सिर्फ अटेंडेंस करके ले चले जाते हैं ना, किस प्रकार से होते हैं थोड़ा बता दीजिए। मतलब सर आते हैं, मतलब हम उसे फ्रेंडली बात करते हैं, क्या हुए क्या नहीं हुए, सबसे बात करते, बस एक पर्टिकुलर से नहीं होते, सबसे बात करते हुए तो आगे पीछे चेक करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एंटर किए तो काफी सारे डॉर्मेट्रीज में हमें बीड़ी का टुकड़ा मिला, पैकेट्स मिला, तवे को जो कि धूम्रपान का सामान बहुत सारा मिला, तो ये क्या टीचर्स लोग नहीं देखते हैं क्या, मतलब ना दिखाई देता है या देख के भी नजरअंदाज करते हैं, आप लोग को क्या लगता है? अभी वो लोग एक आदमी को पकड़ने से अलग बात, मतलब जो भी नीचे गिरा हुआ था वो क्या बस मना कर सकेगा, इसको देखने से तो वो लोग क्या कर पाएगा। अच्छा अच्छा, बहुत सारा में है। जी जी जी, ओके। तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन और रखना चाहिए, जैसे कि काफी सारा समय से सुनने ये आ रहा है कि मतलब जेएनबी हॉस्टल्स वगैरह में, हॉस्टल्स में खास करके डॉर्मेट्री में बहुत सारा रैगिंग होता है जो कि सीनियर्स जूनियर को रैगिंग करते हैं, ये क्या सिलसिला कब से शुरू था और क्या आज भी चल रहे थे? ये तो बहुत पहले से मतलब जब शुरू था तब से होता होगा, हम लोग जब आए सिक्स में, हम लोग साथ भी हुए, हम लोग भी थोड़ा बहुत तो होते हैं, हॉस्टल होगा थोड़ा बहुत, अभी नहीं होते इतना, मतलब पहले का कॉम्पिटेंस से अभी नहीं होते, लेकिन क्या होते रहते हैं क्या, मतलब होने के लिए तो करने के लिए तो कोई कोई कुछ सेक्शन के लड़के वो मतलब करते रहते हैं, होते रहते हैं ना, कम होते हैं उसको। तो क्या लगता है इस चीज को खत्म करना चाहिए कि नहीं चाहिए या इस चीज को जारी रखना चाहिए? जैसे कि आप भी एक कभी ना कभी आप भी एक विक्टिम था, आप जब क्लास छोटे क्लास में जब आए थे तब आपको रैगिंग किया, तो आप भी अभी बड़ा हो गया, अभी आप छोटे को रैगिंग करेगा, ऐसा कुछ माइंड में लड़का लोग का ऐसा होता है? ऐसा अभी का लोग में तो नहीं है, अभी मतलब समझ रहे बात, पहले का मतलब बहुत था, मतलब हम लोग भी करेगा
अभी का उनका जो मेट लोग है उनका दसवीं ट्वेल्थ का, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं सोचे, हम मतलब उल्टा स्कूल चेंज कर गया वो था बस ऐसा हो गया। अभी जैसे कि बीइंग ए सीनियर ना, मैं भी यही गांव का हूँ और एज ए सीनियर आप सबको बताना चाहेगा, यहाँ में बहुत ज़्यादा बैठा भी हुआ है और ख़ास करके हमारे अरुणाचल प्रदेश के मीडियम से भी आप सभी को बताना चाहेगा कि देखिए ये जो रैगिंग का सिलसिला है, आपका झगड़ा का सिलसिला है, ये सब नहीं होना है। और अभी देखिए मालूम नहीं आपका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से रन करते हैं स्कूल, लेकिन अभी हम लोग ये हमारा ही बस्ती है, हमारा ही गाँव है, अगर यहाँ ऐसा होने से बहुत ज़्यादा बदनाम होता है। तो इसका कारण से अभी धीरे से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ में बहुत जल्दी से होगा। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, खास करके जो रैगिंग करते हैं, आप लोग भी ध्यान दे के सुन लीजिए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जब होगा तो आप लोग को सिर्फ आपका एडमिनिस्ट्रेशन तक ही समेत नहीं रहेगा, यहाँ में स्टूडेंट यूनियंस आ जाएगा, यहाँ में लोकल बॉडीज आ जाएगा। तो ये समय में अगर आप लोग का यहाँ कोई गलती करता है तो आपका वजह से सबका बदनाम नहीं होना है, सबको पनिशमेंट नहीं मिलना है। तो ये अगर इसी तरह सिलसिला चलती रहेगा, अगर आपका प्रिंसिपल का बात आप नहीं सुनेगा, तो यहाँ कम्युनिटी इन्वॉल्व होके आप सबको ठीक करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो नहीं होने के लिए आप लोग सुधर जाइए, और सुधर जाना बहुत जरूरी है अभी। तो थैंक यू सो मच आपसे बात करके, और आपको ये भी बता देना चाहूँगा, एश्योरेंस देना चाहूँगा, अगर इनकेस आज आपने हमें इंटरव्यू दिया, आपका खुद का मर्जी से दिया, लेकिन आपको कल का दिन में कोई आपका दम देता है, आपका आपको कोई कल का दिन में कुछ बोलता है, तो हम आएंगे फिर दोबारा स्कूल में आपसे संपर्क करेंगे, कुछ होने से हम आपसे हम लोग भी जानेंगे, और हम लोग कौन आपको क्या क्या आप बताइएगा कोई अगर कुछ बोलने से। और लास्ट क्वेश्चन एक पूछना चाहेगा, यहाँ में काफ़ी सारा मोबाइल्स मिलता है बोल के बोलते हैं टीचर लोग ना, काफ़ी सारा मोबाइल्स है, क्या सब स्टूडेंट मोबाइल्स पकड़ते हैं? सब तो नहीं, मतलब 100% से 40% 30% पकड़ते हैं। तो किस प्रकार से छुपाया जाता है इसमें टीचर से? टीचर्स से जब नहीं आते तब बता देते हैं, नहीं हो हम लोग के पास 12 लोग के पास ज़्यादा लोग नहीं है, अभी हम लोग 12 क्लास है ना, बोर्ड क्लास है, तो मतलब सब लोग पढ़ाई करेगा वो क्या, अभी 11 क्लास मस्ती है, हमें लाते कोई नहीं लाते, सब सब लाते बोल के नहीं, कोई भी लाते। अच्छा, इसमें क्या गैंग वार टाइप से होता है क्या, मतलब स्कूल ये क्लास का ये क्लास का एक गैंग है, वो क्लास का एक गैंग है, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना, कुछ मतलब बदमाश बच्चा होता है ना, जो कि मतलब वो बदमाशी न्यूशंस पैदा करते हैं, ऐसा है ना, क्लास का तो बदनाम नहीं दे सकते, ऐसा कमी है सर, सर गैंग में तो ऐसा बदमाश बच्चा। ओके, थैंक यू सो मच बात करने। तो आप भी एक पेरेंट्स हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब कि बच्चा ये जैसे कि ये रेगुलर बेसिस में रेगुलर हुआ होते जा रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना? जी, ये छोटा मोटा तो ऐसा है कि सीनियर लोग अगर छोटा जूनियर लोग कोई बदमाशी करने से वो लोग सलाह मशवरा दे के या उन लोग को थोड़ा धमकाता है तो ठीक है, और ऐसा होते रहता था, लेकिन कल का इंसिडेंट तो मास में हुआ है, 15 से ज़्यादा स्टूडेंट को बहुत बुरी तरह से मारा है, तो ये तो बहुत अनुचित है, ये ठीक नहीं है। और जो सीनियर लोग अभी एलिगेशन लगा रहा है कि बच्चा लोग धूम्रपान करता था इसीलिए वो लोग को मारा गया है, आप खुद सोचिए, वो लोग सीनियर है और ये लोग जूनियर है, ये जूनियर लोग कभी वो लोग को ओवरटेक नहीं करता है, वहाँ पे रूल ही ऐसा बनाया है कि किसी का नाम बोलते ही, जूनियर का नाम बोलते ही जी भैया बोल के सर नीचे करके बोलना पड़ता है, तो ये सब बनावटी बात है। तो हम लोग तो पेरेंट इतना ही चाहता है कि ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जितना भी बच्चा टैलेंटेड बच्चा है वो लोग यहाँ पढ़ाई कर रहा है, वो लोग एक जो है एग्ज़ाम दे के पास करता है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे इसको बचा सकते हैं, जितने भी हमारे यहाँ के एसोसिएशन है, स्टूडेंट एसोसिएशन है, आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और जितने भी लोग इसमें जड़ित हैं, सभी लोग इसको अच्छा एक माहौल हम बनाने का एक क्रिएट करें, और जो बच्चा लोग इसमें इन्वॉल्व है वो लोग खुद स्वीकार रहा है, अभी थाना में वो लोग है 5 बच्चा, तो उन लोग को रेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि दोबारा वो लोग जाएगा तो वो लोग नहीं करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं लेगा, तो हम लोग यही चाहता है कि उनका भी भविष्य खराब ना हो, लेकिन वो लोग को रेस्टिगेट करें और दोबारा ऐसा ना हो, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तत्पर होना पड़ेगा इसमें, यही बात है सर। कल जो एक तो इंसिडेंट हुआ था हम लोग का JNB में, मेरा नाम जोसेफ लोंगरी है, जो एक तो रेगिंग टाइप का वहाँ में हुआ था, तो उसमें इनह्यूमन एक ही बोलेगा हम लोग, जो सीनियर ने, मेरा लड़का तो अभी क्लास 8 में है, मेरा लड़का सिर्फ नहीं है उसमें, हम लोग पूरा ये फैमिली विक्टिम, स्टूडेंट जो विक्टिम हुआ उसका फैमिली आया है, तो सीनियर स्टूडेंट क्लास 11 लोग ने बहुत खराब से फिजिकली एब्यूज किया गया, वो अभी फोटो भी है हम लोग का पास में, थोड़ा देर में आपको शेयर कर देगा। और ये जो चीज़ हुआ है वो तो होना नहीं चाहिए था,
ये तो एंटी रैगिंग रैगिंग टाइप का ही है। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन से या अभी JNB का जो चेयरमैन है तो हम लोग का DC साहब है चांगलांग का, और DC साहब से भी यही रिक्वेस्ट है और एजुकेशन मिनिस्टर से भी यही रिक्वेस्ट है और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा इंसिडेंट को रोकना चाहिए, इसको मतलब होना नहीं चाहिए। और हम लोग तो पेरेंट्स का तरफ से तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो घटना हुआ है उसको जांच होना चाहिए और जो लड़का लोग उसमें इन्वॉल्व है, कर्प्लिट है, जो गलती किया है उसको सजा। हम लोग पेरेंट्स लोग तो यही मांग रहा है कि वो लोग को रेस्टिगेट टर्मिनेट करना है। ये इंसिडेंट तो पहले बार नहीं हुआ था, जो 2-3 महीना पहले ईटानगर में संगे लादेन का भी बहुत हुआ था। तो हम लोग को पेरेंट्स लोग को का तरफ से रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये मैटर को हैंडल अच्छा से करने से ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन रखना चाहेंगे, जैसे कि आपके बच्चे ने बताया कि मतलब क्यों मारा गया वो ना, ऐसा तो कुछ रीजन तो नहीं बताया है। अगर सपोज एक को नहीं मारा है, वो लोग 15 स्टूडेंट को मारा है। अगर किसी बच्चा ने गलती किया होने से भी हाउस मास्टर है, उसमें प्रिंसिपल है, वो बच्चा लोग तो कानून तो अपना हाथ में लेना नहीं चाहिए, यही है। तो इसमें एक क्वेश्चन रखना चाहेगा, कुछ स्टूडेंट से हमने बात किए थे, सीनियर स्टूडेंट से भी, तो उनका ये कहना है कि बच्चे जो क्लास 8 है वो ज्यादातर धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो इसके कारण से मारा गया है बताया गया, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ना बच्चे लोग है वो तो कोई कर भी सकता है, कोई नहीं भी कर सकता है। हम लोग का साथ तो नहीं, हम लोग तो हॉस्टल में भेजते हैं, उसका काम तो हाउस मास्टर देखना है और प्रिंसिपल है उसका, तो उसमें तो क्या है, वो लोग कोई बच्चा कर भी दिया होगा तब, लेकिन उसमें तो सोल्यूशन नहीं है ना। वो सीनियर लोग ऐसा जैसे कि कल जो वो लोग मारपीट किया है वो तो सोल्यूशन नहीं है सर। तो इसमें और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रखना चाहेगा, जैसे कि आपने अभी अभी कहा कि ये इंसिडेंट पहली बार नहीं है, काफी बार हो चुका है, तो इसमें जिम्मेदार कौन, किसको माना जाता है आप खास करके? अभी तो दूसरा स्कूल का तो बात नहीं करेगा हम, ये क्योंकि मेरा लड़का JNB चांगलांग बोर्ड उनसा गोजू में है, तो हम तो अभी जिम्मेदार तो किसको बोलेगा, हाउस मास्टर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को हम वो जिम्मेदार ठहराएगा। अगर वो लोग ठीक से देखने से ये इंसिडेंट तो नहीं होना चाहिए था। आपका बांजा का सर क्या हुआ था बता दीजिए। JNB में वो पढ़ता था आपका आरवाली हाउस का, उसको सीनियर क्लास का 11 क्लास का लड़का लोग बुलाया, उसके बाद में उसको मारा है, मार करके पूरा अथी कर दिया। उसके बाद में हमको बुलाया, हम जा करके देखा, उसके बाद में बोले हम सर से, तो बोले ठीक है होगा, आप लेके जाइए ट्रीटमेंट कीजिए, हम कल चले आए उसको लेकर। तो क्या एक बार मारा है बोला ना, कब से नहीं? वो 3 दिन 23 तारीख को 23 जून को मारा था लोग, तो नहीं बोला था वो, तो फिर गया काल को मारा था। तो मारने के बाद में सबको लड़का लोग तो फिर काल में भी बुलाया था वो लोग उसको, तो मार रहा था तो दौड़ रहा था, तो इसलिए वो नहीं जाने सका। तो आया वार्डन, उसके बाद में बोले कि क्या हुआ तुम सोया है? बोले तो नहीं हमको भूमि हो रहा है इसीलिए सोया है, तो देख रहे हैं कि तुमको भी मारा है क्या? बोले तो नहीं हमको नहीं मारा है से, तो खोल के देखा उसका पैंट, तो उसको भी मारा है। अच्छा, वो छुपाते हैं क्या? जी उसको क्यों छुपाते हैं, बोल के बताएं या आगे कुछ बताएं? नहीं, बोले वही बोलते हैं कि अगर बोलने से फिर मारेगा लोग ऐसे, इसीलिए नहीं बताते हैं, इतना डर खिला करके रखता है लो ना। कल JNB बोर्ड में जो इंसिडेंट हुआ है, तो वहाँ पे सुना है कि रैगिंग हुआ है, कुछ सीनियर स्टूडेंट ने आपका जूनियर स्टूडेंट को रैगिंग किया है, तो हम SYO सिंफो यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम उसको बहुत ही स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं, और जो आपका कल्पिट है उसको एज पर लो जल्दी से पनिशमेंट होना चाहिए, पनिशमेंट देने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो अभी जूनियर स्टूडेंट है अभी वो हॉस्टल पे भेजने के लिए थोड़ा सा अभी वो लोग डर फील करेंगे। तो हम ऐसे SYO स्कूल अथॉरिटी से वही अपील करते हैं कि थोड़ा सा स्टूडेंट लोग को थोड़ा सा अच्छा से देखने के लिए, ताकि दोबारा ये कभी ना हो कि रैगिंग ऐसे वाला कभी ना हो, हम लोग की तरफ से वही अपील करते हैं हम स्कूल अथॉरिटी से। जैसे कि आप सभी ने देखा ये विजुअल्स में किस प्रकार से इन
क्लास 11 के छात्रों ने क्लास 8 के बच्चों को मारा। और हमने जब मौके वारदात पे हमने जब रिपोर्ट लेने आए, हम स्कूल पहुंचे हैं, तो हमने कुछ बच्चों से भी हम बात किए हैं, कुछ टीचर्स से भी हम बात किए हैं। बच्चों ने हमें इंटरव्यू दिया, लेकिन टीचर्स ने हमें इंटरव्यू नहीं दिया और उन्होंने बस अनऑफिशियली हमें बताया। और सारे साथ में जो पेरेंट्स हैं, हम उनसे भी मुलाकात किए हैं और सभी पेरेंट्स बहुत ही चिंतित और क्रोधित मूड में हैं। और वे ये कह रहे हैं कि उनके जो विक्टिम्स हैं, जो बच्चे को मारा गया है, उनके माता पिता का यही कहना है कि उनके बच्चों को न्याय चाहिए और इंसाफ दिलाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पे, क्या जो जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, जो कि बहुत ही जाने माने विद्यालय है, हमारे देश के बहुत ही अच्छे विद्यालय है, इसमें क्या इसी प्रकार का रैगिंग का मामला हमेशा चलते रहेगा? जैसे कि हमें जब बच्चों से बात किया था, हमें ये मालूम चला कि ये रैगिंग का मामला आज से नहीं, करीब सालों से चलते आ रहे हैं और हमेशा कोई ना कोई बच्चा इस रैगिंग का शिकार बनते हैं और उनको स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है, वे टीसी लेके चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मामला हमें मालूम चला। जब हम कुछ पेरेंट्स से बात किया तो कुछ बच्चे अपने यहाँ रैगिंग के डर से वे स्कूल छोड़ चुके हैं, कुछ बच्चे टीसी लेके जा चुके हैं। तो इसमें गलती किसका है? क्या प्रिंसिपल सिर्फ यहाँ जिम्मेदार है, या स्टूडेंट सिर्फ जिम्मेदार है, या टीचर सिर्फ जिम्मेदार है, या होल कम्युनिटी जिम्मेदार है? इस चीज को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को बहुत गंभीरता से जानना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में ये जो जवाहरलाल नवोदय विद्यालय जो स्कूल है, इसमें इस प्रकार से घटना ना करे। और मैं ये भी बता देना चाहूँगा, यहाँ पे जब हमने मौके वारदात पे हमने डॉर्मेट्री में हमने जब जाके देखा, चेक किया, तो यहाँ पे काफ़ी सारे धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा के कवर्स मिले, टुकड़े मिले। और हमने जब रूबरू जब बात किए बच्चों से, कुछ बच्चों से हमने खबर लिए, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, काफ़ी सारे मोर देन 40% स्टूडेंट अभी भी धूम्रपान करते हैं, इंटॉक्सिक सामान पीते हैं, खाते हैं। और साथ ही साथ में ये स्कूल ये बताया जाता है कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छा से पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब रात हो जाते हैं, जब टीचर्स नहीं रहते हैं, तब वे मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल करते हैं। जिम्मेदारी लेने के लिए अभी कोई आगे नहीं आया है, तो अभी ये देखना ये है कि जिम्मेदार कौन होगा इसका, और क्या ये प्रिंसिपल जो बच्चे गलती किए हैं उनको टीसी देंगे, उनको स्कूल से रेस्ट्रिकेट करेंगे, या क्या एक्शन लिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सभी जनता का भी यही क्वेश्चन है, सभी माँ बाप का भी यही क्वेश्चन है कि एक एग्जांपल सेट करेंगे क्या इस बार के प्रिंसिपल, क्या एग्जांपल सेट करेंगे क्या इस बार के चेयरमैन जो कि डीसी चांगलांग है, कि जो बच्चे ने इनह्यूमन एक्टिविटीज करते हुए कुछ बच्चों को मारा है, क्या उनको स्कूल से बाहर करेंगे, उनके नाम रेस्ट्रिकेट करेंगे, या उनको बच्चे का जो अंडर एज बच्चे जो क्राइम करते हैं उनको जुविनल होम में भेजेंगे? ये बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है। और ये भी बताया जा रहा है कि पेरेंट्स जो है वे बोर्डुमसा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दे चुके हैं, वो छात्रों के ऊपर में, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में। तो जानना ये है कि अभी बच्चों को जुविनल होम भेजेंगे या रेस्ट्रिकेट करेंगे, या किस प्रकार से इनका जायजा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए और ये अपडेट लेते रहिए।